आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो नेटवर्क के बारे में है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं अगर उस मोबाइल फोन में से नेटवर्क की समस्या आती है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं। सबसे पहली बात क्या, नेटवर्क की समस्या को रिपेयर करने से सबसे पहली बात होती है कि आपको मोबाइल फोन में ये जरूर देख लेना होता है कि आपके मोबाइल फोन में सिम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर सिम चल रहा है तो ही आप मोबाइल फोन में नेटवर्क की समस्या को ठीक करें, अगर आपके मोबाइल फोन में सिम नहीं चल रहा है तो नेटवर्क की समस्या तो बाद की बात है, पहले आप मोबाइल फोन में सिम की समस्या को रिपेयर करें। क्योंकि जब तक मोबाइल फोन में सिम की प्रॉब्लम को नहीं रिपेयर किया जाएगा तब तक मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम को रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। तो पहली बात क्या है कि आप सिम को देख लें, अगर सिम आपका शो कर रहा है, सिम अंदर शो कर रहा है, सिम प्रेजेंट हो रहा है तो ही आप मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम को ठीक करें। ठीक, अब देखिए यदि हमारे पास कोई मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, मोबाइल फोन में टावर नहीं आ रहे, कस्टमर कह रहा है हमारे मोबाइल फोन में टावर नहीं आ रहे, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। नेटवर्क ना आने का मतलब क्या है कि मतलब सिम या तो हाईलाइट नहीं होता, सिम शो नहीं होता, या सिम कार्ड नहीं चलता, या मोबाइल फोन में सिम कार्ड तो चल रहा है लेकिन मोबाइल फोन में टावर नहीं आ रहे। नेटवर्क की जो समस्या जो होती है उसको ठीक करने के तीन तरीके के कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बना हुआ है 2G 3G, जिसमें से तुम्हारे दोस्तों जितने भी कीपैड वाले मोबाइल फोन आते हैं ये सारे कीपैड वाले मोबाइल फोन हमारे इसी में से आ जाते हैं, जिसमें से 2G 3G मोड होता है, जिसमें कीपैड मोबाइल फोन आते हैं, जितने भी बटनों वाले मोबाइल फोन आते हैं इसमें ऐसा तरीका यूज किया जाता है। अच्छा, जो तुम्हारे कीपैड मोबाइल फोन होते हैं उसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ PFOIC ही यूज होती है। क्या यूज होती है? PFOIC यूज होती है और बाकी पूरा कंट्रोलिंग जो होती है CPU के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? CPU के माध्यम से होती है। लेकिन यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है, अब वो मोबाइल फोन 4G कैटेगरी के होता है, 5G में थोड़ा और अपडेट हो गया है उसका मैं अलग बताऊंगा ताकि मैं दोनों को डिटेल से समझा सकूं। जो 4G होता है, 4G का मतलब होता है स्मार्टफोन, 4G का मतलब क्या होता है, स्मार्टफोन। अब 4G में तुम्हारे जितने भी मोबाइल फोन आते हैं वो बेशक तुम्हारे ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, इंटेक्स, इन्फिनिक्स, जो भी मोबाइल फोन आते हैं ये सारे मोबाइल फोन 4G कैटेगरी में आते हैं। किसमें से आते हैं? 4G कैटेगरी में आते हैं। यदि 4G कैटेगरी में कोई भी मोबाइल फोन आता है, यदि उस मोबाइल फोन में से नेटवर्क की समस्या आती है, किसकी समस्या आती है? नेटवर्क की समस्या आती है। यदि 4G मोबाइल फोन में से यदि नेटवर्क की समस्या आएगी तो हम लोग उसको कैसे रिपेयर करेंगे या मैं उसको कैसे चेक कर पाऊंगा? तो 4G के लिए हमारा स्मार्टफोन में रहता है, किसमें रहता है? स्मार्टफोन में रहता है। जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो सब 4G कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा, 4G कैटेगरी में क्या हो जाता है? 4G कैटेगरी में सबसे पहली बात PFO का यूज होता है, प्लस उसमें से 4G PFO और बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 4G PFO बढ़ जाता है, प्लस उसमें से RFIC बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? RFIC बढ़ जाती है। तो जिसके कारण से क्या होता है कि हमारे अगर देखेंगे तो 2G में PFO CPU, उसके बाद PFO, 4G PFO, RFIC, उसके बाद CPU, ठीक है। अब उसके बाद यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है जब 5G आ जाता है तो 5G में क्या हो जाता है? 5G में सबसे पहली बात PFO से पहले यूज होता है DRX स्विच। क्या यूज होने लगता है? DRX स्विच अगर बढ़ जाता है, PFO बढ़ जाता है, उसके बाद 4G PFO बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 4G PFO, 5G PFO। ये 5G PFO के लिए एक अलग से हमारा बैंड बढ़ जाता है उसी के अंदर। दूसरी बात क्या होता है, इसके अंदर APT IC है ये बढ़ जाती है, प्लस RFIC जो होती है दो यूज होने लगती हैं। RFIC कितने यूज होने लगती हैं? दो RFIC यूज होने लगती हैं। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में CPU से कनेक्टिविटी होती है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर ये जो 2G 3G 4G होते हैं ये एक चैनल के सिद्धांत पे भी काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? चैनल के सिद्धांत पे काम करते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे पास जो मोबाइल फोन होगा जो 2G होगा उस 2G के चैनल कम होते हैं, 4G जो होते हैं उसके चैनल ज्यादा होते हैं, 5G जो होते हैं उसके चैनल ज्यादा, उससे भी ज्यादा होते हैं।
अगर आप ये देखना चाहते हो तो ये जीएसएम अरीना से देख भी सकते हो। किससे देख सकते हो? जीएसएम अरीना से देख सकते हो। जीएसएम अरीना से आप जब किसी भी मोबाइल फोन का इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो उसमें से खुल के आएंगे, वहां पर उसकी चैनल की डिटेल भी खुल के आ जाती है कि ये इतने चैनल को कवरेज कर लेता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक मोबाइल फोन का, जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ, जिसको हम लोग बैंड भी बोलते हैं जी, जैसे मान लिया हमने Redmi Note 5G है ना, वो पहले 4G देखो, ये 4G में आता है। पहले 4G का देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं 5G दिखा देता हूँ। ये देखो, इसके अंदर आप यहाँ पर नेटवर्क में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर नेटवर्क दिखेंगे, GSM HP से LTE, पहली बात ये। दूसरी बात, इसके 2G 3G 4G ये बैंड है, इसमें जो बैंड है 1, 3, 5, 7, 8, 40 और 41। अच्छा, इसके मेगा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी 850, 900, 1900 और 2100। अब इसी में से हम लोग 5G खोल लेते हैं, ठीक है। Redmi 12 देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे देखो, एक 5G बैंड बढ़ गया। इसमें देखो, जो बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होती थी 1, 3, 5, 8, 40, 41, ये तो इसमें भी है, लेकिन इसके बाद इसमें 78 ऐसे ये बैंड बढ़ गया। तब जब ये बैंड बढ़ गया तो इससे क्या होगा, हमारे मोबाइल फोन में से 5G स्पीड आ गई। क्या गई? ये जो 40 तक चलेगा तो 40 तक कितना रहेगा? अच्छा, 5G जो मोबाइल फोन है, 5G मोबाइल फोन में भी क्वालिटी है कि आपका मोबाइल फोन देखो, 5G तो 30,000 का भी है और 5G 50,000 का भी है और 5G 1,00,000 का भी है। तो जिसमें से जो महंगा होता है उसके बैंड और बढ़ जाते हैं, चैनल बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है उसकी कवरेज क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगर मान लिया एक चैनल पर काम कर रहा है तो उसमें किसी में 6-6, 7-7 चैनल है, तो जिसमें 7-7 चैनल, तो एक चैनल नहीं करेगा तो दूसरा पकड़ लेगा, दूसरा चैनल नहीं वो तीसरे चलेगा, तीसरा चैनल नहीं उस पर चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, उसके अंदर ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2G 3G 4G 5G ये बैंड होते हैं, ये यहाँ पर स्पीड भी इसमें लिखी है। अब देखो, जब मैं इसी चीज को मैं सैमसंग S24 अल्ट्रा 5G अब देखिए, देखो 5G के चैनल कितना है, 40 तक तो ये हो गया, 41, 1, 2, 3, 4, 5 कितने हैं, 5 बैंड है। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही थे 5G के, उसमें 5G के 5 बैंड अलग से, ठीक है ना। तो इस भाई महंगा तो होगा ही, क्यों नहीं महंगा हो? अब ये तुम्हारा 5G है, 12 Pro 5G, तुम्हारा लोड मार जाएगा, बैठ जाएगा, वो नहीं बैठेगा, उसके अंदर 5x6x6 चैनल लिए बैठा है भाई। जैसे हमारा मोटी भाषा में, जैसे हम लोग पहले सुनते नहीं थे, FM सुनते हैं, FM में क्या होता है, एक चैनल पर सेट किया, उसमें गाना नहीं आ रहा है, दूसरे चैनल पर चले गए, दूसरे चैनल पर नहीं आया तो तीसरे चैनल पर चले गए, चौथे चैनल पर चले गए, पांचवें, तो हमको कहीं ना कहीं तो गाना मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो प्रोग्राम मिलेगा। जैसे हम लोग टीवी में चैनल देखते हैं तो कलर चैनल आता है, बहुत 500 चैनल बने, तो जितने ज्यादा चैनल होंगे उतना ज्यादा तुमको प्रोग्राम मिलेगा, और जब चैनल नहीं होगा तो तुमको प्रोग्राम नहीं मिलेगा। अगर मान लिया तुम्हारा टीवी है उसमें 2 ही चैनल आ रहे हैं तो तुमको 2 प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, अगर तुम्हारी टीवी है जिसमें 250 चैनल आ रहे हैं तो 250 प्रोग्राम मिलेंगे। और टीवी में जानते ही हो, जितने ज्यादा चैनल देखते हो उतना ही पैसा लगता है। आजकल जो टीवी में जब आप प्रोग्राम देखते हो, टीवी देखते हो, अगर 150 चैनल होंगे तो उसमें से ये मिलेगा तो उसका इतना रुपया पैक है, और 500 रुपया कराओगे तो उसमें से इतना पैक मिलेगा, ऐसा होता नहीं कि चैनल में। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी ये चैनल्स होते हैं, ये बैंड्स को ही हम लोग इसकी भाषा में क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। ये सारी चीजें यहाँ से हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। देखो इसमें देखिए 41, उसके बाद 2,
इसमें इसका जो 4G है उसमें भी 41, 48, 66 चैनल है, और इसका 5G जो है 5G में तो फिर चैनल बड़े ही है, इंटरनेशनल इतने सारे चैनल दिए हुए हैं। वीवो उससे और होता है, हैं? देखो बाकी अपने मोबाइल फोन में खोल लो, सब बैठो इसमें दो ही चैनल, तो ये हमारे इसके माध्यम से हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो 4G कितना है, जितना 5G देता है उतना 4G ले बैठा हो। हाँ बुरे आलू बड़े बल जाते हैं ना, देखो सब बल दिया होगा। देखो सर, तो ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो हमारा जो बढ़ता जा रहा है, अगर आप उसमें से देख रहे होंगे कि 2G 3G का कीपैड में PFO और CPU का यूज होता है, जो 4G होता है 4G स्मार्टफोन में क्या रहता है कि PFO 4G PFO RFIC और CPU का यूज होता है, और आपके पास मोबाइल फोन 5G होता है तो 5G मोबाइल फोन में DRX6 RF PFO IC 4G 5G PFO उसके बाद APT उसके बाद RF के दो IC यूज होती हैं, उसके बाद CPU पे जाता है, तब आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क सेक्शन बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके नेटवर्क सेक्शन समझेंगे, पहले इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे। हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क को जो प्रॉब्लम को रिपेयर करने का जो तरीका होता है वो किसी कंपनी वाइज मॉडल वाइज नहीं होता, उसमें जो रिपेयर करने का तरीका होता है वो 2G 4G और 5G के हिसाब से होता है, जनरेशन के हिसाब से होता है, क्योंकि उसी हिसाब से मोबाइल फोन में नेटवर्क डिजाइन होता है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है वो 10,000 का है, वो मोबाइल फोन 18,000 का है, वो मोबाइल फोन 25,000 का है, वो चिपसेट के हिसाब से नहीं चलता, वो किसके हिसाब से चलता है, वो अपने नेटवर्क सेक्शन 2G 4G 5G के हिसाब से बनता है। अच्छा, चिपसेट के हिसाब से मोबाइल फोन में RFIC जरूर यूज करे जाते हैं, जैसे अगर मान लिया तुम्हारे पास क्वालकॉम प्रोसेसर यूज हो रहा है तो उसके अंदर WTR है, SDR है, इस IC को यूज किया जाता है। अगर तुम्हारे पास MediaTek है, SVD, अगर इन सब चीजें यूज हो रही है तो उसके अंदर फिर वही RFIC उसको बोलने लगते हैं, क्या बोलने लगते हैं, RFIC बोलने लगते हैं, मतलब उसी IC को जो WTR का जो काम करती है उसी को RFIC बोलने लगते हैं। सैमसंग उसी मोबाइल फोन को नेटवर्क IC बोलने लगता है, ठीक है। बाकी PFO 4G PFO ये सब यूज होंगे, इनको लिख लीजिए आप। DRX switch हाँ कहाँ पर है ये 4G PFO 5G PFO डेड, जो बंद फोन को चेक करना पहला, दूसरा कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा होता है मोबाइल फोन में नेटवर्क को चेक करना, तीसरा मोबाइल फोन में सबसे बड़ा होता है मोबाइल फोन में से चार्जिंग को चेक करना, चौथा मोबाइल फोन में चेक करने का सबसे बड़ा होता है ग्राफिक चेक करना, डिस्प्ले लाइट ग्राफिक। बस ये चार सेक्शन जो होते हैं मोबाइल फोन में बहुत मेन अहम मुख्य भी होते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर सब पुर्जे होते हैं लेकिन पेट हार्ट लीवर किडनी दिमाग ये कुछ चीजें मेन होती हैं, उसी तरीके से ये मोबाइल फोन में चार सेक्शन ऐसे होते हैं मेन होते हैं, इनका ज्यादा सबसे ज्यादा अहम रोल होता है और इनको सबसे ज्यादा चेक किया जाता है, इनके खराब होने से मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है रिपेयर करते हैं, तो ये हम लोग समझते हैं। उधर ये अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला डालेंगे हम लोग 2G के लिए, देखो नेटवर्क के लिए सबसे पहली बात आपके मोबाइल फोन में ऐसे एंटीना के पॉइंट्स होते हैं, एंटीना के पॉइंट्स में से एक बीच का पॉइंट होता है जिसमें कई बार GSM लिखा होता है, उससे सिग्नल आगे चलता है, इसके लाइन में कंपोनेंट लगे होते हैं। देखो जब
ये हमारा जो एंटीना होता है, एंटीना तो पहले सिग्नल इंटरनल एंटीना पे आता है। अच्छा, नेटवर्क सेक्शन एक ऐसा होता है जिसका कोई ऐसा टेस्टिंग नहीं बना कि आप चेक करके ये बता दो सही है खराब है। पूरे सर्किट को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कहीं ना कहीं से कोई भी खराबी आ जाएगी जिसके कारण से आपके मोबाइल फोन में से नेटवर्क काम करना बंद कर देंगे। अगर इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल फोन सबसे पहली बात ये देखिए सिम कार्ड डालिए। सिम कार्ड डालने के बाद आप मोबाइल फोन देखिए आपका सिम चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब सिम चल रहा है तो आप मोबाइल फोन में सेटिंग में जाइए, कीपैड मोबाइल फोन में जहां पर एयरटेल वोडा आइडिया लिखा आता है ऐसा पता चलता है कि सिम चल रहा है। आप मोबाइल फोन में सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर के आप सर्चिंग करिए। क्या करिए, सेटिंग में जाकर के सर्चिंग करिए। हमारे सेटिंग में ऑप्शन आता है, सर्च करने का ऑप्शन आता है, जहां पर दो तरीके का ऑप्शन जनरेट होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल का। सर्चिंग करते हैं तो वहां पर जब आप मैनुअली सर्च करेंगे तो मैनुअली सर्च करने पर एयरटेल वोडा आइडिया जो भी नेटवर्क होते हैं वो सारे नेटवर्क ऐसे लिख करके आ जाते हैं। जब वो सारे मोबाइल फोन में से नेटवर्क लिख करके आ जाते हैं तो आपके मोबाइल फोन में से टावर आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में नेटवर्क की समस्या आती है, किसकी समस्या आती है, नेटवर्क की समस्या आती है, मोबाइल फोन में टावर नहीं आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहे हैं, मोबाइल फोन में टावर नहीं आ रहे, सिग्नल नहीं आ रहे, तो उस सिग्नल को चेक करने के लिए आप सेटिंग में जाकर मैनुअली सर्च करिए। मैनुअली सर्च करने के बाद एयरटेल वोडा आइडिया जो लिख के आएगा सिलेक्ट हो जाएगा, होम नेटवर्क आ जाएंगे, टावर आ जाएंगे। फिर भी नहीं टावर आते, आप मोबाइल फोन खोलिए। मोबाइल फोन खोलने पर सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला क्या काम करेंगे, आप मोबाइल फोन लेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप एंटीना को साफ करेंगे। क्या करेंगे, एंटीना को देखेंगे, एंटीना सही से प्रॉपर अटैच है कि नहीं अटैच है। अगर एंटीना आपको प्रॉपर मोबाइल फोन से अटैच नहीं होता तो आप एंटीना से लेकर के इंटरनल एंटीना तक ऐसे जंपर मार देंगे, या कुल मिलाकर के मोटी भाषा में एंटीना के लाइन को पीएफओ तक क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे कि पीएफओ तक हमारा सिग्नल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा तो जंपर से पहुंचा दीजिए। ये काम होता है सिग्नल का, किसका काम होता है। उसके बाद जब पीएफओ आईसी को सिग्नल पहुंच जाएगा तो तुमको ये देखना है कि पीएफओ आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पीएफओ आईसी को काम करने के लिए कितने वोल्टेज आएंगे, 4 वोल्ट। तो यहाँ से बैटरी कनेक्टर से जो प्लस पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट से क्या होगी, सप्लाई आएगी। इस प्लस पॉइंट से यहाँ पर सप्लाई आएगी, कितने वोल्ट सप्लाई आएगी, 4 वोल्ट सप्लाई आएगी। जब 4 वोल्ट सप्लाई आएगी तो 4 वोल्ट सप्लाई आने से हमारा क्या होगा, पीएफओ आईसी एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पीएफओ आईसी एक्टिव हो जाएगी। जैसे पीएफओ आईसी एक्टिव हो जाएगी तो आपके मोबाइल फोन में से नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर तुमने पीएफओ आईसी को देख लिया, पीएफओ आईसी पे वोल्टेज आ रहे हैं उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में टावर नहीं आ रहे, अब आप ये देखेंगे पीएफओ आईसी के आउटपुट सही है कि नहीं सही है। पीएफओ के आउटपुट में क्या लगा होता है, यहाँ पर चेक करेंगे 3.74 वोल्टेज करंट आएगा, या बैटरी कनेक्टर से लेकर के यहाँ तक चेक करेंगे तो कैपेसिटर तक क्या आएगी, बीप आएगी। बीप आने से ये समझ में आएगा कि इसका कनेक्टिविटी हमारा बैटरी कनेक्टर के प्लस से है। अगर नहीं कनेक्टिविटी आ रही हो, कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है किसी कारण से, कई बार यहाँ पर कंपनी कॉइल भी डाल देती है, वो लाइन ब्रेक हो जाती है, तो आप कॉइल को शॉर्ट कर देंगे, यहाँ से उठा करके प्लस पे 4 वोल्ट करंट दे देंगे जिससे आपकी लाइन चालू हो जाएगी, पीएफओ को 4 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी। जब पीएफओ को 4 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी तो पीएफओ अपने अंदर से सिग्नल जनरेट करना चालू होता है। सबसे पहली बात आरएक्सटीएक्स सिग्नल जनरेट कर देगा जिससे हमारा सीपीयू से अपने सिग्नल को देता है, और इसके अंदर से एक लोअर बैंड सिग्नल जाता है। लोअर बैंड सिग्नल जो होता है वो किसके लिए होता है, 2G के लिए होता है। किसके लिए होता है, 2G, जिसको हम लोग बोलते हैं LB। क्या बोलते हैं, LB, यहाँ पर लिखा होता है। LB का पूरा नाम होता है लोअर बैंड। लोअर बैंड सिग्नल जाता है जिससे हमारा सीपीयू क्या काम करता है, हमारे बैंड को सिलेक्ट करता है। क्या काम करता है, बैंड सिलेक्ट करता है। अच्छा, सीपीयू हमारे मोबाइल फोन को बैंड को तभी सिलेक्ट कर पाएगा जब आपके मोबाइल फोन में सिम डाली जाएगी। क्या डाली जाएगी, आप मोबाइल फोन में देखते हैं जैसे आप सिम डालते हैं, इस सिम का कनेक्शन कहां से होता है, सीपीयू से होता है। जैसे ही सिम का कनेक्शन सीपीयू होता है तो सीपीयू सबसे पहले वह क्रिस्टल को ऑर्डर करता है। क्या बोलता है, क्रिस्टल को। क्रिस्टल को सीपीयू क्या काम करता है, क्रिस्टल में 4 पिन होती है, 4 पिन में 2 पिन ग्राउंड होती है, 1 पिन पे क्रिस्टल के पिन पे वोल्टेज जाता है। क्रिस्टल को काम करने के लिए 1.8 वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए, 1.8 वोल्टेज चाहिए। जैसे क्रिस्टल को 1.8 वोल्टेज मिलता है तो क्रिस्टल क्या काम करता है, ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। क्या काम करता है, फ्रिक्वेंसी। जैसे हमारा पंखा नहीं, पंखे को जब वोल्टेज देंगे तो पंखा हवा पैदा करेगा, पंखे के अंदर हवा नहीं भरी है, पंखे को जब वोल्टेज मिलेगा तो पंखा घूमेगा, जब पंखा घूमेगा तो हवा बनेगी। जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना तेज पंखा घूमेगा, उतनी ज्यादा हवा बनेगी। ऐसे इसमें भी सिस्टम होता है कि जब क्रिस्टल से यहाँ पे वोल्टेज दिए जाते हैं तो वोल्टेज डालने से क्या होता है, फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। यहाँ पर क्रिस्टल जो होता है 26 मेगाहर्ट्ज़, 22 मेगाहर्ट्ज़, 23 मेगाहर्ट्ज़, 25 मेगाहर्ट्ज़,
ऐसे फ्रिक्वेंसी का हमारा क्रिस्टल क्या होता है, लगा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। जब फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है तो ये वोल्टेज यहाँ से 1.8 भी जाते हैं, 1.6 भी जाते हैं, 1.2 भी जाते हैं, डिपेंड करता है जब यहाँ से वोल्टेज जाएंगे सीपीयू सिम के हिसाब से जितना वोल्टेज देगा उतनी फ्रिक्वेंसी क्या करेगा, जनरेट करेगा। वो फ्रिक्वेंसी जो जनरेट होती है वो फ्रिक्वेंसी सीपीयू के अंदर आती है। क्या आती है, सीपीयू के अंदर। जब फ्रिक्वेंसी सीपीयू के अंदर फ्रिक्वेंसी आती है, फिर सीपीयू उसी हिसाब से हमारे मोबाइल फोन में से बैंड को सिलेक्ट करता है। किसको सिलेक्ट करता है, बैंड को सिलेक्ट करता है। जब बैंड क्या सिलेक्ट करेगा, अगर हमारे फोन के अंदर सिर्फ 2G बैंड है, लोअर बैंड है, एक ही बैंड है, तो वो मोबाइल फोन में से आपके मोबाइल फोन में जहाँ PFO, IC, 4G, 5G दुनिया भर में कोई भी टावर ले आए, उस टावर को सिलेक्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ अपने ही टावर को सिलेक्ट करेगा। हाँ, तो इस तरीके से अगर आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो पहले आप कैसे रिपेयर करेंगे, नेटवर्क एंटीना को चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, RX TX लोअर बैंड सिग्नल को चेक करेंगे, क्रिस्टल को रिसोल्ड करेंगे, क्रिस्टल के वोल्टेज को चेक करेंगे, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है तो PFO IC को क्या करेंगे, रिसोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, PFO IC को रिसोल्ड करेंगे। क्या करे हो, क्रिस्टल पे 1.8 वोल्टेज आएगा। ठीक, अगर कई बार ऐसा होता है क्रिस्टल के लाइन में बीप आने लगती है, या क्रिस्टल हमारा शॉर्ट हो जाता है, या क्रिस्टल काम नहीं करता, या क्रिस्टल के लाइन में मॉइस्चर आ जाता है, तो भी आपके फोन में टावर नहीं आते हैं, ऐसा मोस्टली सैमसंग के मोबाइल फोन में काफी देखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्रिस्टल को रिसोल्ड कर देते हैं या निकाल करके दोबारा लगा देते हैं, जिससे हमारे मोबाइल फोन में भी टावर आ जाते हैं। हीट रिसोल्ड करने को हीट करना बोलते हैं भाई, रिसोल्ड करोगे तो कैसे करोगे, क्रिस्टल PFO गर्म करोगे तभी तो रंगा पिघलेगा, तभी तो निकाल के लगा पाओगे। इस सर्किट को बना लीजिए एक बार सब लोग, फिर मैं प्लेट में समझाता हूँ, मदरबोर्ड में आपको दिखाता हूँ, मदरबोर्ड में, ताकि आप मदरबोर्ड में चेक कर पाए। देखो उधर, ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, बैटरी कनेक्टर के बाद ये आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क सेक्शन है। ये आपका क्या बना हुआ, एंटीना बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये आपका जो एंटीना बना हुआ, एंटीना जो स्टील का पत्ती लगा हुआ है, स्टील के पत्ती से सिग्नल तो हमारा यहाँ तक आता है। अगर आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले एंटीना को साफ करिए, जिसमें एंटीना टच वाला होता है उसमें साफ कर पाएंगे, जिसमें से एंटीना टच वाला नहीं होता उसमें आप एंटीने को साफ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप एंटीने से उठाएंगे जम्पर, यहाँ से जम्पर उठाएंगे, यहाँ से जम्पर उठाने के बाद इस पॉइंट तक लगा देंगे। इससे क्या होगा, बीच के जो कंपोनेंट्स हैं ये सब लाइनें क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट हो जाएंगी। हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो इस एंटीने को उतार के बाहर फेंक दीजिए, इसके बीच में दो पॉइंट निकलते हैं उनको आपस में शॉर्ट कर दीजिए। क्या करें, क्या कह रहे हो, इसका कोई चेकिंग नहीं है, एक यहाँ पॉइंट एक पॉइंट दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। जैसे शॉर्ट कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन में से कनेक्शन क्या हो जाएगा, एंटीना का हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के वीक हो जाता है, जिसके कारण से आपको मोबाइल फोन में नेटवर्क के सिग्नल आगे तक नहीं जा पाते। तो हम लोग जैसे एंटीना पे जम्पर मारेंगे तो एंटीना पे जम्पर मारते ही एंटीना का लाइन क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। एंटीना का लाइन कनेक्ट होते ही आपके मोबाइल फोन में क्या हो जाएंगे, टावर आ जाएंगे। अब तुमने इस पे जम्पर मार दिया, जम्पर मारने के बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम सेम है, फिर भी आपके मोबाइल फोन में टावर नहीं आ रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने जम्पर मारने के बाद फिर आप एंटीना से उठाइए जम्पर और सीधे जो कंपोनेंट है आप या तो IC के स्क्रीन पे लगा दीजिए या तो इस कंपोनेंट पे डायरेक्ट लगा दीजिए। हाँ, इससे क्या होगा, अगर बीच का तो कोई कैपेसिटर लगा, दिख रहा है ये ब्राउन कलर का कैपेसिटर जो होता है, हमारा सिग्नल को पास करता है। मैंने आपको समझाया था कि कैपेसिटर क्या होगा, जो भी मोबाइल फोन में सिग्नल आएंगे उनको क्या करेगा, पास कर देगा, लेकिन वोल्टेज को पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएंगे वो नहीं पास करेगा, कैपेसिटर सीरीज में लगा देगा। कल को कैपेसिटर खराब हो जाता है तो आपके मोबाइल फोन में सिग्नल पास होना बंद हो जाता है। तो हम लोग इसको यहाँ से उठा करके लास्ट तक यहाँ तक जम्पर मार देते हैं, जिससे हमारा एंटीना यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा और आपके मोबाइल फोन में से टावर आना चालू हो जाते हैं। अगर फिर भी आपके मोबाइल फोन में टावर नहीं आते तो ये आप देखेंगे तो ये आपकी PFO IC लगी है। क्या लगी है, PFO IC के चारों तरफ देखेंगे तो सबसे बड़ा कैपेसिटर ये लगा हुआ है, दिख रहा है। तो ये कैपेसिटर का एक हिस्सा तो हमारा ग्राउंड होता है, दूसरा हिस्सा क्या होता है, प्लस होता है। इसके लाइन में दो तीन और कभी कैपेसिटर लगे, ये वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा होता है, बैटरी कनेक्टर से आ रहा होता है।
कहां से आ रहा होता है? बैटरी कनेक्टर से जो प्लस वोल्टेज कैपेसिटर से होता है पीएफओ आईसी पर आ जाते हैं। जब पीएफओ आईसी पे वोल्टेज आ जाएंगे तो पीएफओ आईसी क्या करेगी, अपने अंदर से देखो ये सिग्नल निकालती है, क्या निकालती है, इस सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएक्स और टीएक्स, क्या बोलते हैं, आरएक्स टीएक्स। इसमें देखो एक ही बीपीएफ लगा, यहाँ से सिग्नल होगा इस कॉइल से फिल्टर होता हुआ आईसी के अंदर चला जाएगा। तो इसके लाइन में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनको हमको क्या करना पड़ता है, वन बाय वन करके क्या करना होता है, चेक करना होता है। ये जो सिग्नल गया आरएक्स टीएक्स गया, ये जो सिग्नल गया ये लोअर बैंड गया हुआ, क्या गया हुआ है, लोअर बैंड एलवी सिग्नल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद अगर फिर भी आपके फोन में टावर नहीं आते तो ये देखिए स्टील बॉडी का क्या लगा हुआ, क्रिस्टल लगा, इसमें लिखा हुआ 26 मेगाहर्ट्ज, कितना लिखा हुआ है, इस क्रिस्टल में से दो पॉइंट तो हमारे ग्राउंड होते हैं, क्या होते हैं, उसके बाद एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अब इसमें से एक पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट पे यहां से तो वोल्टेज जाते हैं, क्या जाते हैं, जब 1.8 वोल्टेज चले जाएंगे तो यहां से सिग्नल होते हुए वो इसे आईसी के अंदर आएंगे, फ्रिक्वेंसी जनरेट होकर के आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्रिस्टल को रिसोल्ड करते हैं। अगर क्रिस्टल रिसोल्ड करने के बाद नहीं होता तो क्रिस्टल को निकाल करके दूसरा लगाना पड़ता है, कई बार क्रिस्टल खराब हो जाता है तो क्रिस्टल को चेंज करना पड़ता है। वरना ज्यादातर मोस्टली मोबाइल फोन में क्रिस्टल खराब नहीं होता, सिर्फ क्रिस्टल को निकालते हैं साफ करके दोबारा लगा देते हैं, बस हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क आना चालू हो जाते हैं। तो नहीं नहीं तो यदि आपके फोन में नेटवर्क ना आए तो चेक करने का स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आप एंटीना को चेक करें, एंटीना से सिग्नल मजबूत हो जाएगा, जब सिग्नल मजबूत हो जाए तो वोल्टेज को चेक करें, वोल्टेज चेक करने के बाद नहीं होता तो तीसरा नंबर आरएक्स टीएक्स चेक करें, चौथा नंबर लोअर बैंड सिग्नल को चेक करें, उसके बाद पांचवें नंबर पर क्रिस्टल को चेक करें, रिसोल्ड करें, अगर उसके बावजूद भी दिक्कत सेम है तो लास्ट में छठवें नंबर पर पीएफओ आईसी को रिसोल्ड करें, रिसोल्ड करने के बाद निकाल करके दोबारा लगाएं, चालू करें और पीएफओ चेंज करें। पीएफओ चेंज करने के बाद भी टावर नहीं आता तो फिर लास्ट में तुमको सीपीयू आईसी को रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क आईसी सीपीयू आईसी के अंदर ही है। ये एंटीना को कैसे चेक करेंगे, एंटीना को आप ऐसे चेक करेंगे कि एंटीना में ये देखेंगे उसका पिन डैमेज तो नहीं हो गया, टूट गया फूट गया तो नहीं है, कनेक्ट तो नहीं हो, कोई उखड़ तो नहीं गया, ये चेक करेंगे। फिर भी दिक्कत आएगा तो एंटीना को उठा करके आप जम्पर मार देंगे। एंटीना पे जम्पर मारने का मतलब होता है हो सकता है एंटीना वीक हो गया हो, खराब हो गया, जिस तरह से नेटवर्क ना पकड़ रहा, तो जम्पर मारने से वो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी। जैसे लाइन हमारी डायरेक्ट हो जाएगी तो आपके मोबाइल फोन में से टावर आना क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। तो एंटीना वीक होने की वजह से भी आपके मोबाइल फोन में टावर नहीं आते। नहीं, नंबर देख के लगाए जाएंगे, जैसे उसमें लिखा है 26 मेगाहर्ट्ज़ तो 26 मेगाहर्ट्ज़ से ही लगाएंगे, 27, 29, 21, 22, 25, 23, जितना भी लगाओ उतने का ही लगाएंगे। अगर ज्यादा लगाएंगे तो कम लगा देंगे तो काम नहीं करेगा वो। क्रिस्टल मार्केट में मिलता है, वैल्यू के हिसाब से आता है, नहीं तो अगर नहीं मिलता तो फिर आप दूसरे कोई मदरबोर्ड से उतनी वैल्यू को निकाल के लगाएंगे। वैल्यू चेक नहीं करी जाती इसकी, लिखी होती है वैल्यू। हाँ देखो इधर इधर आइए, देखो मैं इसमें एक बार आपको लिख देता हूँ आपको क्या क्या चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। नंबर एक एंटीना चेक करें, नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर छह उसके बाद नंबर सात नंबर आठ। आप एक बार फोटो कैप्चर कर लीजिए इसका। ठीक है, अभी मैं इसको डायग्राम में दिखाता भी हूँ, सिमेटिक डायग्राम दिखाता हूँ। पिछला जो दो तीन टॉपिक उनका सिमेटिक डायग्राम नहीं पढ़ा है, वो भी आज मैं पढ़ाता हूँ। सिम का नहीं पढ़ा था और हैंड फ्री का नहीं, हैंड फ्री का तो पढ़ा दिया था, सिम का नहीं पढ़ा था। हाँ सिम का नहीं पढ़ाया मैंने आपको, चार्जिंग का एक मैंने फोटो खिंचवाया था, सब लोग डायग्राम बनाए हो है। ठीक है अभी हम चेक करेंगे इसका, लिखो रिपेयरिंग टिप्स। रिपेयरिंग टिप्स, रिपेयरिंग टिप्स में नंबर एक लिखो,
ये बंद कर दो, एग्जॉस्टर फैन बंद कर दो, उसके सारे और आता है पानी। अब बाहर आ जाएगी तो बस भर ही जाएगा, कहाँ जाओगे तुम। दिल्ली वाला के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, तुमने डूबो तो तुम यहाँ निकल जाना। नंबर एक लिखो, एंटीना को चेक करें, एंटीना को चेक करें। अगला पॉइंट लिखो, एंटीना टिप से इंटरनल एंटीना तक जंपर लगा दें। एंटीना टिप से इंटरनल एंटीना तक जंपर लगा दें। अगला पॉइंट लिखो, एंटीना टिप से इंटरनल एंटीना तक जंपर लगा दें। अगला पॉइंट लिखो, पीएफओ को पीएफओ में आने वाले वी बैट सप्लाई को चेक करें। पीएफओ में आने वाले वी बैट यानी 4 वोल्ट सप्लाई को चेक करें। बैटरी लगा के चेक करेंगे, रॉकी का कल दिमाग नहीं चला, कल आ गया रॉकी को डरवा गया ना, वो काला काला आया था है? उसके चक्कर में सुरात में नींद नहीं आई होगी। तुमने गलती है, जैसे डरवा दे तो तुम्हें चाटा मार देते उसको, तो वो फिर डर जाता। लिख दे, पीएफओ में आने वाली वोल्टेज सप्लाई को चेक करें। दूसरा पॉइंट लिखो, पीएफओ में आने वाली 4 वोल्ट सप्लाई को चेक करें। अगला पॉइंट लो, आरएसटीएक्स और लोअर बैंड सिग्नल लाइन को चेक करें। आरएसटीएक्स और लोअर बैंड सिग्नल को चेक करें। अगला पॉइंट लिखे, क्रिस्टल को चेक करें। अगला लिखो, क्रिस्टल को चेक करने लिया। अगले लोग पीएफओ को रिसोल्ड करें। पीएफओ को रिसोल्ड करें।
अगला पॉइंट लिखिए, पीएफओ को रिसोल्ड कर लिख लिया। अगला लिखो, पीएफओ खराब मिलने पर चेंज करें। आरएसटीएस का लाइन चेक करेंगे, आरएसटीएस नहीं चेक करते, उसके लाइन में जो कंपोनेंट है उनको चेक करते हैं बस। ठीक है, अब लेके वो लाओ, लैपटॉप लाओ जरा, मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। हाँ चले, हो गए, ठीक है। हाँ भर, स्पॉन्सरशिप है, अब दो इधर इधर। अब जैसे मुझे देखना है तो हमको कीपैड मोबाइल फोन का देखना है, तो कीपैड मोबाइल फोन के लिए पहले हम लोगों जैसे आईटेल को ओपन किया, ये देखो सिमेट्रिक खुलेगा, लेआउट खुलेगा, डायग्राम खुलेगा। अच्छा, इसमें तुम्हारा वो नहीं दिया हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, बकाली डायग्राम डायग्राम दिया है। अब देखो इसको आप कैसे देख पाएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट में जाना पड़ेगा, लेआउट में देखेंगे, अगर ये देखेंगे तो ये सिम वन सिम टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिम वन सिम टू, और ये आपके मोबाइल फोन में एक ये जैक दिया हुआ है, ये तुम्हारा बैटरी कनेक्टर है क्या है, ये तुम्हारा चार्जिंग जैक है, ये तुम्हारा हेडफोन जैक है, ये तुम्हारा पीएफओ आईसी लगी, पीएफओ आईसी इसलिए लगी क्योंकि जीएसएम लिखा ना, ये तुम्हारा एंटीना है, क्या है, एंटीना, एंटीना के बाद में ये एक इंटरनल एंटीना है, उसके बाद ये पीएफओ आईसी लगी, क्या लगी है, पीएफओ आईसी के बाद ये सीपीयू लगा, ये लिखा एक्स, एक्स का मतलब होता है क्रिस्टल, ये क्या लगा है, क्रिस्टल। अब आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क का सर्च करना, तो नेटवर्क को सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप एंटीना को सर्च कर लीजिए, या तो एंटीना से अच्छा सबसे अच्छा आपको हमको पीएफओ को सर्च करना होता है, किसको सर्च करना होता है, है? उसमें है ही क्या, दो ही तो आईसी है, सर्किट ही नहीं ज्यादा है इसमें, कीपैड फोन में ज्यादा सर्किट नहीं होता ना, इसलिए इसको छोटा ही सर्किट होता है। तो हम लोग लेआउट में हम लोगों ने क्या किया, इसको सर्च कर लिया, इसके बाद जाके यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंट्रोल वी करेंगे, सर्च करेंगे, इसका सर्च नहीं दिया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ था, सीधे ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसके अंदर देखो वो हमारा पीएफओ आईसी था, पीएफओ आईसी का नंबर कितना था, हाँ U0401। हम लोग क्या करेंगे, सिमेटिक में जाएंगे, इसमें से देखोगे ये U0401 का ही लिखा हुआ है, ये देखो ये तुम्हारी पीएफओ आईसी लगी, क्या लगी है, पीएफओ आईसी में लिखा ना U0401। अब पीएफओ आईसी में देखेंगे तो पीएफओ आईसी में पिन नंबर 1 3 4 6 1 3 4 6 7 8 11 12 13 23, ये सब पिने ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब क्या है, माइनस है। इसके बाद पिन नंबर 2, पिन नंबर 5, पिन नंबर 9, पिन नंबर 17, पिन नंबर 16, पिन नंबर 15, 10, 13, 19 और 20, बस ये कनेक्शन की पिन है। अब इसमें सबसे पहली बात हमको इसमें देखना होता है एंटीना की लाइन कौन सी, कौन सी है एंटीना की लाइन कौन सी। अगर आप इसकी एंटीना की लाइन देखेंगे तो एंटीना की लाइन अगर आप देखेंगे तो ये है, ये वाली, ये तुम्हारा एंटीना बना, दिख रहा है, ये एंटीना के दो पॉइंट है, ये लिखा ना एंटीना, ये है। अच्छा हमने कैसे पता किया, देखो इधर
जब हमने यहाँ पर चेक किया तो ये इसमें तो कहीं एंटीना लिखा नहीं, इसमें भी नहीं लिखा एंटीना, इसमें भी नहीं लिखा एंटीना, इसमें भी एंटीना नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, तो फिर यही लाइन बचती ना। तो इस लाइन को जो हम लोग चेक करते हुए यहाँ पर गए, बढ़ा कर रखा, इसलिए तुमको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, ताकि दिखाई दे। ये एंटीना का लाइन यहाँ पर आएगा, एंटीना का लाइन से होते हुए कैपेसिटर लगाए, क्या लगाए, कॉइल भी लगाए, इससे सप्लाई फिल्टर हुए थे, एक रजिस्टर लगाए, इस रजिस्टर का नंबर कितना, R0407। अगर कल कोई रजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो तुम्हारा लाइन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद फिर सप्लाई जाएगी, फिर ये एंटीना लगा, इसको बोलते हैं कपलर। ये गोल्डन कलर वाला एंटीना है, जो मैंने आपको बता दिया, जो मैंने आपको अभी इसमें से दिखाया था कि वहां से उठा करके हम लोग क्या कर देते हैं, जंपर मार देते थे, जो गोल्डन कलर दिखा था ये वही वाला है। अगर ये खराब हो जाता तो कपलर टूट जाता, तो हमको उससे जंपर मार देते हैं। हाँ, जंपर मारने के बाद फिर ये सप्लाई चली जाती तुम्हारी कहाँ पर, PFOIC पर। एक एक कॉइल लगी, क्या लगी है, ये कॉइल क्या लगे, L0410 लिखा ना, L0410, उसके बाद कैपेसिटर है और उसके बाद सप्लाई। अगर तुम चाहो तो एंटीना से जंपर उठाओ, यहाँ से कहाँ से उठाओ, यहाँ से जंपर उठाओ, यहाँ से जंपर उठाओगे और यहाँ से जंपर उठाने के बाद सीधे इस कॉइल पे मार दोगे, उसके बाद सप्लाई कहाँ चली गया, इसी के अंदर चली आएगी, ठीक है। अच्छा, जंपर मार दिया तो डायरेक्ट हो गया, जंपर मार दिया, जंपर मारने डर लाइन तो डायरेक्ट हो गया। देखो इधर, ये देखो जंपर मार देंगे, अब देखो इस कॉइल का नंबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, L0410 लिखा ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमने PDF में गए, कहां पर गए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तो तुम्हारा एंटीना है, यहां तो जंपर उठाएंगे, ये तुम्हारा जो बीच वाला जो जॉइंटर है वो लिखा, ये 0402। उसके बाद वो कॉइल हमारी कौन सी थी, L410, कितना था, अब L410 कॉइल ये लगी, ये लगी ना कॉइल, हम लोग प्लेट लेंगे, क्या करेंगे, यहां से उठा कर जंपर, समझ में आया। अब ये हमने कैसे देखा था, ये हमने डायग्राम से देखा था कि उसकी सप्लाई वहां से उस लास्ट कंपोनेंट से होते हुए आईसी के अंदर जा रही थी, तो जैसे हमने वहां से लेकर को वहां पर जंपर मार दिया, तो जंपर मारने से एंटीना का लाइन क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। जैसे एंटीना का लाइन डायरेक्ट हो जाएगा, तो एंटीना का लाइन डायरेक्ट होने से आपके मोबाइल फोन में क्या हो जाएगा, नेटवर्क आ जाएंगे, क्या जाएंगे, मोबाइल फोन में नेटवर्क आ जाएंगे। जैसे आपके मोबाइल फोन नेटवर्क आ जाएंगे, तो आपके मोबाइल फोन में से टावर आना क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। जैसे आप चालू हो जाएंगे तो आप फोन में सही जाएगा, नहीं हो हमेशा के लिए सही जाता, उसमें क्या टेम्परेली क्या होता है, ये सब फिल्ट्रेशन से होता हुआ जाता हुआ है, यहाँ से फिल्ट्रेशन से होते हुए बस यही रहता है, छप्पी खत्म हो जाती है, बस यही रहता है। देखो इधर, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैं डायग्राम के माध्यम से आपको रिपेयर करना बता रहा हूँ, कि डायग्राम से रीड करके कैसे रिपेयर करेंगे, जैसे आप कौन सी कॉइल से कौन सी कॉइल तक जंपर मारेंगे, ये बात हम लोग क्या है, सिमेटिक में देख लेते हैं, किसमें देख लेते हैं, तो ये हमारा कौन सा लाइन है, एंटीना का लाइन है। जब हमने एंटीना का लाइन देख लिया, तो एंटीना हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए, देखो ये लिखा ना, वी बैट से सप्लाई आएगी, वी बैट से सप्लाई होने के बाद पिन नंबर 10 पे चली जाएगी। अच्छा, वी बैट पे जो सप्लाई आएगी वो लास्ट इसका कैपेसिटर होगा C0407। उसके बाद सप्लाई बैटरी कनेक्टर पे, यही दिया हुआ ना, तो C0407 कैपेसिटर अगर आप देखेंगे इसमें से, ये C07 लगा है, और C07 को जो कैपेसिटर को जो सप्लाई आएगी वो कहां से आएगी, बैटरी कनेक्टर से आएगी, कहां से आएगी, बैटरी कनेक्टर से आएगी। बैटरी कनेक्टर से आने का मतलब होता है
ये बैटरी कनेक्टर का प्लस है, ये माइनस है, ये बीएसआई है, तो ये प्लस सप्लाई यहाँ से होते हुए C07 से होते हुए अंदर चली जाएगी। लेकिन C07 से नहीं जाएगी, C09 पे भी जाएगी, 8 पे भी जाएगी, उस पर जाएगी, क्योंकि वहां पर तीन कैपेसिटर बता रहे थे। ठीक है, अगर कल को तुम्हारे तीन कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं तो तुम्हारी वी बैट की लाइन शॉर्ट हो जाएगी, इससे क्या होगा, PFOIC चालू होना बंद हो जाएगा, सेट भी बंद हो जाएगा, डेड हो जाएगा। है नहीं, नहीं इन कैपेसिटर को हटा दोगे, इसमें से कैपेसिटर को आप हटा देंगे, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर तुम्हारा जो लगा हुआ है वो तुम्हारा कैपेसिटर तुम्हारा पैरेलल पोजीशन में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, पैरेलल पोजीशन में लगा हुआ है। ये देखो C07 08 09, अगर यहाँ पर डायग्राम में देखते हो तो ये डायग्राम में ये कैपेसिटर लगा ना 08 09 0, ये तुम्हारे वी बैट के वोल्टेज पिन नंबर 10 पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, जब जब इस पे आएगा सिग्नल और वोल्टेज, तब यहाँ से दो सिग्नल बनते RX और TX, क्या बनेगा, ये है तुम्हारे RX TX। अब RX TX जो बनेगा, इसके लाइन में कैपेसिटर लगा है, क्या लगा है, उसके बाद ये लगा है ये सिग्नल, ये देखो GSM LB HB लोअर बैंड हायर बैंड, ये हमारे सिग्नल बनेंगे। तो पहले हमको क्या चेक करना है, RX TX चेक करना है, RX TX चेक करने के बाद फिर क्या चेक करना है, लोअर बैंड हायर बैंड चेक करना है। अच्छा, जो लोअर बैंड हायर बैंड में आप देखो यहाँ पर कह रहा है कि इसके लाइन में कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के बाद आगे क्लिक करेंगे तो आगे की सप्लाई खोल देगा, जैसे ये सप्लाई पिन नंबर 5 से कैपेसिटर बजाएगी, कैपेसिटर कितना है C0401, आग PDM में गए, यहाँ पर देखो वो जो तुम्हारा 04 कितना लिखा है 0 04 0, ये है ना, तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकलेगा, RX निकलेगा, क्या निकलेगा, RX निकलेगा। डायग्राम में गए, ये जो RX निकला, RX इसके निकलने के बाद फिर आगे भी कहीं गया है, आगे कहाँ गया है, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करते ही देखो ये खुल गया, वो RX कौन था, LB लिखा था ना, तो RX LB लिखने के बाद वो RX लोअर बैंड जो सिग्नल है वो तुम्हारा कहाँ चला गया, CPU के अंदर चला गया, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये तुम्हारी जो दोस्त जो CPU IC लगी, कौन सी IC लगी, इसी CPU के अंदर ऑडियो है, इसी के अंदर ब्लूटूथ है, इसी के अंदर FM है, इसी के अंदर RF है, इसी के अंदर NC है, AFC है, क्लॉक है, सिस्टम है, USB ADC सब कुछ इसी के अंदर है, है? नहीं ये क्लॉक सिम वाला नहीं, ये क्लॉक एक्सो लिखा है, एक्सो का मतलब होता है क्रिस्टल, क्रिस्टल ये XO लिखा ना, ये क्रिस्टल का है, हाँ। तो ये तुम्हारा यहाँ से कैपेसिटर सप्लाई निकलेगी, और कैपेसिटर सप्लाई निकलने के बाद सीधे कहाँ चली जाएगी, CPU पे जाएगी, कहाँ पे जा रही है, अब CPU पे सर कैसे जा रही है, तुमको कैसे पता, तो हमने यहाँ से जब क्लिक किया तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर सीरीज में लगा है, किसमें लगा है, इसके बाद जो हमने आगे क्लिक किया तो ये खुल के आया, इसके बाद सीधे CPU बजा रही है, कहाँ बजा रही है, CPU बजा रही है, फिर हमने ये दूसरा वाला क्लिक किया, किसको क्लिक किया, तो दूसरे पर करने का HB लिखा है, क्या लिखा है, HB, जो हमने HB पे क्लिक किया तो HB तो वही आ गया, और HB के बाद सीधे ये भी कहाँ जा रहा है, CPU बजा रहा है, मतलब सिर्फ उसके लाइन में भैया क्या लगा है, ये दो कैपेसिटर लगे C001 और 02, अगर दोनों कैपेसिटर की बात करेंगे तो यहाँ से जो RX TX से सिग्नल जो निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, कैपेसिटर से निकलेंगे, और कैपेसिटर ये सीरीज में लगा है, किसमें लगा है, फिर सिग्नल जाएगा CPU के अंदर, दूसरा सिग्नल निकलेगा, कैपेसिटर निकलेगा, कैपेसिटर के बाद किसमें जाएगा, सीरीज में। अगर कल को तुम्हारे सीरीज खराब हो जाएंगे तो RX TX ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RX TX ब्रेक हो जाएगा, तो आपके फोन में टावर आना बंद हो जाएगा। अब इस कैपेसिटर पे तुम एक बार जम्पर मार सकते हो, क्योंकि ये किसमें, सीरीज में, समझे ना, नहीं वो नहीं बना, वो तो डायग्राम देखना पड़ता है डिटेल, वो सप्लाई जा रही है इतना तुमको समझना है। देखो सर बना सकते हो, लेकिन जो हम आपको जो समझा रहे हैं ये क्या समझा रहे हैं, इसी को देख के बना सकते हो, इसके बाद अगर तुमको और डिटेल में चाहिए तो इससे और डिटेल में देख सकते हो, ये रहता है।
अभी शुरुआती के दिन है ना, आप देखो यार, आप देखो यार, ये हमारे लोअर बैंड हायर बैंड सिग्नल निकलेंगे। अब अगर लोअर बैंड हायर बैंड सिग्नल अगर आप देखेंगे सिमेट्रिक को, देखो रीड करने का तरीका, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं कैसे रीड कर रहा हूँ। यहाँ से जो सिग्नल निकलेंगे इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करते ही देखो ये बोल देगा ये सिग्नल गया, इसके लाइन में कैपेसिटर लगाया, क्या लगाया, एक कैपेसिटर सीरीज में लगा, दूसरा कैपेसिटर किसमें लगाया, पहले में लगा, उसके बाद सप्लाई गई, फिर एक और कैपेसिटर लगाया कॉइल के माध्यम से दूसरी लाइन होता है, वो लाइन कहाँ चली गई, आगे चली गई। अब आगे कहाँ गई है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये सीपीयू पे गई, किस पे गई है, ये लाइन है, यहां से आई थी, यहां से आने के बाद सीधे क्या एचबीपी लिखा है, ये तुम्हारा है एचबी, ये लाइन तुम्हारा उस पर सीपीयू पे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ से कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के बाद फिर कहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएंगे, इसके बाद फिर सीधे एमपीएफ हो जाएंगे, क्योंकि उससे अलग अलग लिंक ऐसे दिए होते हैं, जैसे अच्छा जिस जिसका लाइन जहाँ पर जा रहा होगा तो जैसे आप आगे क्लिक करेंगे तो बता देगा लाइन कहाँ जा रही है। अब ये क्लॉक क्लॉक की लाइनें जो सीधे कहाँ पर जा रही है, सीपीयू पर जा रही है। अगर यहाँ से सप्लाई निकलेगी, इसके लाइन में कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर से सप्लाई फिल्टर होगी, फिर क्लॉक की लाइन है, क्लॉक की लाइन यहाँ से होने के बाद सीधे सीपीयू पर जा रही है, कहाँ पर जा रही है, ठीक हो जाएगी। ये तुम्हारी आर एफ आई सी है, कौन सी आई सी है, आर एफ आई सी, अब इसका एक बार सब लोग एक काम करिए जरा, इसका पीएफओ का चित्र बना लीजिए, सब लोग फोटो कैप्चर करिए, इसको हम लोग छोटा करेंगे तो आप फोटो नहीं कैप्चर, मैं फोटो कैप्चर कराता हूँ, आपको एक रिंगल सेक्शन बनाना है, किसका बनाना है?